हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत आज के इस वीडियो में। पिछले हफ्ते क्लास में हमारा एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था और उसमें भी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे और भी कुछ प्रश्न आए। तो आज आज के इस वीडियो में हम कुछ उन प्रश्नों के ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। तो मैं शुरू करना चाहूंगा कि एक प्रचारक का क्या भाव रहता है। कि एक प्रचारक हमेशा ऐसा सोचता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, गुरु परंपरा, प्रभुपाद और इस्कॉन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, प्रतिनिधि हूँ। तो मुझे उनको प्रॉपरली प्रेजेंट और रिप्रेजेंट करना है विदाउट एनी एडल्ट्रेशन, कोई एडिशन नहीं, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं, एज इट इज। तो उनका जो उद्देश्य क्या है कि हम सब पतित जीवात्माओं को फिर से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, उनकी सेवा में जोड़ना। तो यही प्रचारक का उद्देश्य होता है। और चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बताए कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जात, जन्म सार्थक कोरी कर पर उपकार। कि जिसका भी जन्म भारत की भूमि में हुआ है उसको अपना जन्म सार्थक करना चाहिए और दूसरों को भी जन्म सार्थक करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसे सच्चा परोपकार कहते हैं। तो जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ तो वही सौभाग्य हम आगे देने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी ने इस भगवद गीता के संदेश को पूरे विश्व में फैल, क्यों? क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा मतलब पृथ्वी, विश्व। तो पूरा विश्व परिवार है और सर्वे जना सुखिनो भवंतु। और ऐसी इच्छा रहती है कि जो भी हमारा परिवार है वो सब खुश हो, वो सुखी हो। तो वो एक प्रचारक सबको अपना परिवार मानता है, सबको अपना मानता है और सबको दुखी से सुखी करने के लिए भगवान के संदेश को आगे पहुंचाता है बिना किसी मिलावट के। और वो अपने जन्म सार्थक और दूसरों के परोपकार में 24 घंटा लगा रहता है। लेकिन इसके साथ साथ उसको शास्त्रों का भी बहुत दक्ष, वो उसका शास्त्रों के अंदर भी बहुत ही पकड़ होता है और वो बहुत ही दक्ष होता है उसको प्रस्तुत करने में भी। तो एक गुरु और एक शिष्य की क्या योग्यताएं हैं, तो इसके लिए भागवत में एक श्लोक बताया गया है। तस्माद् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणे उपशमाश्रयम। की जो गुरु होता है वो कठिन से कठिन अपने शिष्य का प्रश्न भी शास्त्रों में से उत्तर दे सकता है और उसका भगवान में दृढ़ विश्वास निष्ठा होती है और 24 घंटा उसका एक ही काम होता है, भगवान की सेवा। और तो शास्त्रों में पकड़ मतलब क्या कि वो शास्त्रों को इस दुनिया की परिस्थितियों से भी वो जोड़ सकता है, हर समस्या का समाधान चाहे इंडिविजुअल, सोशल या ग्लोबल, उसका वो शास्त्रों में से उस समस्या का समाधान दे सकता है। तो क्योंकि कृष्ण परम सत्य है तो, और सत्यम शिवम सुंदरम, इससे ये भी जीवन और इसके बाद का भी जीवन मंगलमय और सुंदर बन जाता है। लेकिन हम जैसे पतित जीवात्माओं को ये पता नहीं होता। तो इस दया के भाव से गुरु शास्त्रों का अथॉरिटेटिव नॉलेज, बोनोफाइड नॉलेज उस तरीके से प्रस्तुत करता है कि हम उसको ग्रहण कर सके। और हम सब शिष्यों की क्या मनोभाव होना चाहिए, हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए कि गुरु मोरे मूर्ख देखी करिया शासन, कि जो हम सब जो शिष्य गण हैं तो हम जानते हैं कि हमारा एमए पीएचडी बीटेक का डिग्री हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख से ना हमको बाहर निकाल सकता है और इस जीवन के भी जो 3 क्लेश है, आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक,
उन क्लेशों से भी वो हमको बाहर नहीं निकाल सकता, केवल गुरु के पास जो ज्ञान है, और वो भी अपने अहितु की कृपा से वो हमको प्रदान करते हैं। तो इस विनम्रता के भाव से, इस कृतज्ञता के भाव से हम गुरु से सुनते हैं, और ऐसा नहीं कि हमें अंधविश्वासी होना है, नहीं। अगर 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 कुछ प्रश्न आता है, कुछ भी हम सुनेंगे तो प्रश्न आएगा किसी भी बुद्धिजीवी व्यक्ति को, ये स्वाभाविक है। तो प्रश्न प्रस्तुत करना है किस भाव से, नॉट इन अ चैलेंजिंग एटीट्यूड, बट प्रपद तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। प्रपद्येत मतलब सब में से हो, और इंटेलिजेंटली जैसा मैंने बोल जैसे मैंने बोला जिज्ञासु इंक्वायरी करनी चाहिए, श्रेय उत्तम कि जो हमारे क्षणिक सुख के लिए नहीं, लेकिन ये हमारे आत्यंतिक सुख, हमारे एवर लास्टिंग ब्लिस के लिए, अ परमानेंट सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स फॉर एवर, और हमारे मुक्ति के लिए हमको जिज्ञासा करनी चाहिए। तो उसी भाव के का अनुसरण करते हुए, उसी के भाव के प्रयास अपने अंदर लाने के प्रयास के साथ हमने ये टॉपिक लिया था, हाउ टू एक्सेप्ट रिवर्सल्स इन लाइफ एज कृष्णाज मर्सी, कि कैसे हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है कि जो हमने कभी सोची नहीं होती, और जिससे बहुत दुख होता है, लेकिन वो भी कैसे भगवान की कृपा माननी चाहिए। ये हमने टॉपिक क्यों लिया, कि केवल केवल यही ऐसा श्लोक है भागवत का जिसके अंदर बताते हैं कि जिसके अंदर ये भाव आएगा, उसके पास इसी जीवन के बाद भगवान के धाम जाने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा, थप्पा लग जाएगा। कि ये आप श्लोक बाद में आप देख सकते हैं कि इस श्लोक के अंदर बताया है कि जो अपने जिंदगी में जो भी सुख दुख आता है, उसको अपने पूर्व जन्म का कर्म का फल मानते हुए, पूर्व बहुत जन्मों का कर्मों के फल को मानते हुए, अपने भक्ति से विचलित ना होते हुए, और अपने भक्ति को दृढ़ता पूर्वक करते हुए, भगवान की कृपा की जो प्रतीक्षा करता है, वो इसी जीवन के बाद भगवान के धाम को जाता है। लेकिन ये थोड़ा टॉपिक ऐसा है कि जो हमको सीखना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है, तो इसलिए, लेकिन ये हम शरीर के स्तर पे हम इसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमने ये क्लास की शुरुआत की थी आत्मा के स्तर से, कि देखो हम सब आत्मा हैं, और देखो मतलब ये हम सबको देखना है कि हम सब आत्मा हैं, और हमारा अभी अस्तित्व अशुद्ध है। अस्तित्व अशुद्ध मतलब कि आत्मा तो आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम में होने चाहिए, पर अपने स्वरूप सिद्धि, स्वरूप सिद्ध देह में, अपने नित्य शाश्वत रिश्ते में, अपने नित्य सेवा करती होनी चाहिए भगवान कृष्ण की। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी अभी वो अपनी आइडेंटिटी, अभी वो अपना घर और अपना प्रेम भूल चुकी है। तो इसी को वापिस प्राप्त करने के लिए भागवतम 5.5.1 में बताया गया है कि अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। तो इससे मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति ही, तो इससे हम अपने अन्यथा रूप, ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, हमारा तो स्वरूप है कुछ भगवान के धाम में, जो हमारा नित्य घर है, और हमारा भगवान के साथ खोया हुआ रिश्ता, खोया हुआ प्रेम, इसको हमको फिर से पुनः स्थापित इसी जीवन में करना है, ये हमारा इस जीवन का लक्ष्य है। और इसीलिए इस लक्ष्य को के अनुकूल अगर कोई दुख है, तो वो भी सुख है, और अगर इस और कोई सुख इस लक्ष्य के प्रतिकूल है, तो वो सुख भी दुख है। तो ये हमने चर्चा किया था, लेकिन ये बहुत ही गुह्यतम ज्ञान है, तो इसलिए हमको ये भगवत विज्ञान को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण की जरूरत है। और यही चीज भगवान भगवत गीता के 5 श्लोकों के अंदर बताते हैं, 2.54 से 2.58। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि जो इस आत्म तत्व में स्थित होता है, और जो 24 घंटा इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसकी जिंदगी कैसी होती है। तो भगवान समझाते हैं कि उसके भी जीवन में सुख दुख आता है, लेकिन वो उसको सहन करता है। तो फिर
और वो उन दोनों में वो सम रहता है। सम मतलब वो अपने भक्ति को उसका प्रभाव नहीं पड़ने देता, वो उसमें विचलित नहीं होता, उसका विश्वास अटूट रहता है। तो फिर मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए थे जो कि रेलिवेंट भी है और जो दिमाग में आते हैं, जो थोड़ा कठिन है। तो उसको खास लेना क्यों जरूरी है कि जितना हम गहरे जाएंगे उतने ही हम पक्के बनेंगे। क्योंकि मैंने तब भी मैंने बताया था दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट अ रिलीजियस फैनेटिसिज्म और सेंटिमेंटलिज्म, बट इट इज अ फैक्ट, इट इज अ साइंस। ऐसा हमको प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये जो इस्कॉन का आध्यात्मिक आंदोलन है, कृष्णा भावनामृत आंदोलन, जो भगवद गीता भागवत हमारे वैदिक शास्त्रों के ऊपर आधारित है, ये कोई भावुकता नहीं है, या ये कोई दूसरा कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है कि जो पागलपन के ऊपर या अपने मनोवृत्ति के ऊपर आधारित है। ये एक विज्ञान है और इसको जिंदगी में अनुकूल करके अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहिए। तो मैंने कार एक्सीडेंट का एग्जाम्पल लिया था और मैंने हिंदू मुस्लिम राइट्स का एग्जाम्पल लिया था। तो तभी कुछ प्रश्न आए थे और अभी कुछ प्रश्न आए हैं। तो ये प्रश्न उत्तर ही पूर्ण ज्ञान की विधि है। जैसे भगवद गीता, भागवत या जो कोई भी शास्त्र होते हैं, तो वो प्रश्न उत्तर ही है। तो जो भी प्रश्न आए हैं, तब भी आए थे और अब भी आए हैं, तो उसको ये मैंने 5 प्रश्नों ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो इसको बारी बारी हम इसको इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है उसको भी मैंने 2 भाग में विभाजित किया है। तो ये प्रश्न ये है कि ऐसे विवादित मुद्दे क्लास में क्यों उठाए कि, और ठीक है, अगर कोई विवादित मुद्दा है तो थोड़ा हम थोड़ा पुराने हो जाए और थोड़ा हमारा भक्तों के साथ और आत्मीयता बढ़ जाए, उसके बाद अगर उठाए तो भी शायद ठीक है, अभी क्यों ये सब मुद्दे। तो सही बात है, कंट्रोवर्सी या विवादित मुद्दे खतरनाक होते हैं 2 परिस्थिति में, कि जब ऑडियंस जो होता है उसके अंदर कोमल श्रद्धा है, या तो ऑडियंस है वो अभी अपने आप को बाहर का मानता है, वो अपने आप को अंदर का नहीं। तो पहला तो हमें ये बात समझना है कि जो हमारे शास्त्र है वो इतने परफेक्ट है कि उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना उसमें कोई ऐसी चीज है जिससे हमको शर्मिंदा होना पड़े या हमें किसी भी अंदर या बाहर किसी भी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत होने में हमको भयभीत होना। और जहां तक हमारे रिश्ते की बात है, तो आप सब तो हमारे बहुत नजदीक भी हो और आप सबकी श्रद्धा भी बहुत है, इसलिए हम ऐसे मुद्दे लेते हैं। तो श्रद्धा मतलब क्या, एक बहुत ही सरल बात समझना है कि जो मैंने अपने मन, अपने इंद्रियां, अपने बुद्धि की जो असीमित और अपूर्ण है, उससे मेरी जो भी भ्रांतियां, धारणाएं और जो भी ज्ञान मेरे पास है, तो वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है, और शास्त्र ही प्रमाण है और शास्त्र ही पूर्ण ज्ञान देता है। तो अगर शास्त्रों की बात और मेरी जो मानसिकता है उसमें कुछ क्लैश होता है तो इट्स ओके। तो उसको मैं अपने बुद्धि लगा के मैं उसको समझूंगा, मैं अपने पूर्व धारणाओं को मैं खुद ही मैं प्रश्न उठाऊंगा उसके ऊपर, ताकि मैं और परम सत्य और सुपीरियर ट्रुथ को मैं जान सकता हूं और वो कितना सुंदर है, उससे मेरी जिंदगी कैसी शांतिपूर्ण और और मधुर बन जाती है। फिर यही आनंद के साथ फिर ये परम सत्य केवल मैं नहीं, मैं तो दूसरों को भी मैं बता सकता हूं, भले ही वो कॉन्ट्रोवर्सी, क्योंकि ये परम सत्य है और भगवान और पूरी परंपरा हमारे साथ है, ये श्रद्धा है। और दूसरा कि कौन अंदर है, कि कौन अपने आप को अंदर का मानता है और कौन अपने आप को बाहर का मानता है। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो पंडिता समदर्शिना सब भगवान के ही परिवार है, लेकिन हम अपने आप को भगवान का मानते नहीं, इसलिए कुछ भगवान की बातों को हम पचा नहीं पाते। लेकिन स्टिल प्रैक्टिकल बात करें तो अंदर का क्या होता है, तो हम
ये सब बातें जैसे कि अभी अभी हमको 4-5 महीना अभी हमको एक साथ हो गया है, तो अभी हम तो आपको अंदर का ही मानते हैं। अंदर का मतलब क्या, कि जो अपने अपनी पहचान उस ग्रुप के साथ करता है, कि जब वो बात करता है तो वो हम शब्द का प्रयोग करता है, वो या उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा प्रयोग नहीं करता। अब व्यवहार, मानसिकता, दृष्टिकोण, विचार, मत भी अभी एक जैसे होने लगे हैं, और सद्भावनाएं हैं हृदय में, और दिखता है कि सहयोग, सुइच्छा और परस्पर मैत्री, मदद करने का भाव, एकजुटता, एकता का भाव, परिवार का भाव, और अपनी वस्तुएं, अपनी जिंदगी या अपनी कुछ चीज इस ग्रुप के सदस्यों के लिए, इस ग्रुप के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए न्योछावर करना, समर्पित करने का भाव, अपने आप को उस ग्रुप के साथ, मतलब अपने ममता का भाव, ममत्व का भाव, और हमारा व्यक्तिगत कल्याण अभी इस ग्रुप के सदस्यों के साथ में ही है, ये जब भाव आ जाता है तो हम उसको अपना मानते हैं। तो क्योंकि हम आपको अपना मानते हैं, और आप सबके अंदर ये सब अभी दिख रहा है, बहुत दिख रहा है, तो इसलिए हम ऐसे कुछ टॉपिक्स हम लेते हैं उस विश्वास के साथ कि अगर आपकी प्रश्न आएगा, लेकिन यही प्रश्न हमको और नजदीक भी लाएंगे और हमारी भक्ति भी बढ़ाएंगे। और ऐसा नहीं कि ये सब प्रश्न खड़े किए जाते हैं लेक्चर में, एक्चुअली ये सब प्रश्न अंदर होते ही हैं, या तो हमारे हृदय में होते हैं, या तो अगर नहीं है तो फिर हमारे हमारे आसपास के लोग हमको पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम इसको अनजाते हैं, हम भगवान के भक्त हैं, तो फिर तब तो फिर डाउट आएगा। तो दो चीजें होती है, श्रद्धा और ज्ञान, तो ये दोनों जब बढ़ता है तो समझना चाहिए कि हमारी भक्ति बढ़ रही है। तो इसलिए जो दक्ष गुरु होता है वो जानता है कि जब ये भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा तो इसको क्या क्या समस्याएं आ सकती है, तो वो पहले से ही उसको एड्रेस कर देता है और उसको तैयार कर देता है उसको आने से ही पहले, ताकि उसकी श्रद्धा जो कोमल है उसको कोई आँच ना आए, बल्कि जब कोई उसको उसके अंदर कंट्रोवर्सी डालना चाहे तो वो उसको कंफ्यूज कर दे, वो उसको उसके बुद्धि को हरा के, वो उसके दिल को जीत के, वो भी उसके अंदर भक्ति डाल दे। और जब ऐसी चर्चाएं हम करते हैं तो दो ऐसी मानसिकताएं हैं कि जो हमारे अंदर होनी चाहिए, तो ही हम ऐसी विवादित बातों को समझ पाते हैं। पहला कि अ फुलिश कंसिस्टेंसी इज द हॉब गॉब्लिन ऑफ स्मॉल माइंड, मतलब कि हमको हमारे पूर्व धारणाओं के ऊपर पुनः विचार करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन बताते थे कि द इंटेलिजेंस विथ विच यू हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम विद द सेम इंटेलिजेंस यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ सॉल्यूशन। तो जो भी अभी हमारी मानसिकता है, जो भी हमारी अभी की बुद्धि है, वो तो हमारे बंधन का कारण है। तो अगर मुक्त होना है तो फिर हम तो फिर शास्त्र, गुरु, भगवान की, जिनकी बुद्धि हमसे ज्यादा है, तो उनके ऊपर श्रद्धा करके बुद्धि के प्रयोग से हमको जानना चाहिए। तो लेकिन अगर हम हमारे विचार, हमारे निर्णयों को हम इतना चुस्त तरीके से पकड़ के बैठेंगे तो खतरा है कि हम नैरो माइंडेड ही रहेंगे। और एक बहुत ही सुंदर रियलिटी ऑफ लाइफ, अ ब्यूटीफुल रियलिटी ऑफ लाइफ हमसे हमेशा के लिए वंचित रह जाएगी। और दूसरा ये भी है कि जब शिक्षक या गुरु कोई एक पॉइंट के ऊपर जोर डालता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका विपक्ष वाला पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि जब हमारे इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले, तो तब प्रभुपाद जी महात्मा गांधी के मूवमेंट में बहुत ही सक्रिय थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने समझाया कि देखो कि ये तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आज ये पॉलिटिकल पार्टी है कल दूसरा होगा, आज ये राजा है कल दूसरा होगा, तो ये परतंत्रता, ये स्वतंत्रता, ये तो शरीर के स्तर की है, लेकिन वास्तविकता में आत्मा बंधी हुई है, आत्मा माया के सामने परतंत्र है, उसको स्वतंत्र करना ये इमरजेंसी, और ये किसी भी वस्तु के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तुम लेके जाओ इस चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पाश्चात्य जगत।
तो प्रभुपाद जी ने तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को अपने गुरु के रूप में अपने हृदय में धारण कर लिया, और तब से वो महाप्रभु के आंदोलन को समझने और इसके प्रचार प्रसार के कार्य में लग गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी खुद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो प्रभुपाद जी जो जो इस आंदोलन में उतने उलझ जाए कि उनके अंदर ये जो क्षमता है कि इससे भी बड़ा कार्य करने की और पूरे विश्व के कल्याण करने की, ये उससे वंचित ना हो जाए, ये उसके खिलाफ। और यही और ये पहले प्रश्न का दूसरा भाग। तो इसलिए हम कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हम लेते हैं क्लास में, क्योंकि हम हमने आपके अंदर वो श्रद्धा है भी देखा है, और आप बहुत बुद्धिमान भी हैं, और हम भी आपको अपना मानते हैं, और आप भी हमको अपना मानते हैं, इसलिए तो फिर ये प्रश्न उठता है। लेकिन प्रभु जी, ये क्या ये भक्ति, सरल भक्ति और ये विवादित मुद्दे? तो प्रभु जी, तो हम विवादित मुद्दे को हम अलग रखते हैं, आप बस हमको सीधा सरल भक्ति सिखाओ, क्यों अननेसेसरी ये सब चीजें करना? तो भगवद गीता के 7वें अध्याय के का ये पहला श्लोक है, जिसके अंदर भगवान बताते हैं कि अगर आपको मुझसे आसक्त होना है और अगर मेरे बारे में जानना है, तो अभी तो आपके अंदर वो है नहीं, तो कुछ ना कुछ जब जब आपको पता चलेगा तो डाउट्स आएंगे, तो जब वो सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, तब आप पूरी पूरी तरीके से मेरे अंदर आसक्त हो जाएंगे। तो डाउट्स क्लियर करना, ये यही रास्ता है भक्ति के अंदर आगे बढ़ने का। तो वही कोमल श्रद्धा फिर दृढ़ श्रद्धा बनती है, जिसको हम बोलते हैं निष्ठा, और वो निष्ठा के भाव से जब हम भजन करते हैं तो हमको प्रेम प्राप्त। अभी हम कंट्रोवर्सी या डाउट, जब डाउट छोटा होता है तो उसको डाउट बोलते हैं, जब डाउट बड़ा होता है तो उसको कंट्रोवर्सी बोलते हैं। तो कंट्रोवर्सी के कितने, तो ये जनरली हमको ऐसा लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये तो खुशहाल शांतिपूर्ण जीवन के लिए बाधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंट्रोवर्सी या विवादित मुद्दे या डाउट उठाना, ये एक्चुअली और बेहतर जीवन के लिए अनिवार्य है। तो हम कंट्रोवर्सी के बारे में जानते हैं, तो ये कुछ मैंने बाहर के लोगों के भी, हालांकि कोई बाहर अंदर नहीं है, मतलब ये कोई फिलोसोफर का भी हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, ये आप आराम से फिर आप पढ़ सकते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया है, यही चीज बताया है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अभी आत्मा को मनुष्य जीवन मिला है, अभी उसको जिज्ञासा करनी चाहिए भगवान के बारे में। क्यों? क्योंकि वी ऑल आर बॉर्न इग्नोरेंट, हमारा सब का जन्म होता है अज्ञान। तो पहला जन्म होता है माता पिता के माध्यम से, दूसरा जन्म होता है कि जब गुरु पिता बनते हैं और शास्त्र माता बनते हैं। तो ये भी हमारे 3 जेंटलमैन हमको ऐसा बता रहे हैं, पहले हमारे माइकल, वो एक शॉट ऐसा बता रहे हैं कि देखो मनुष्य जीवन जो है ये कोई शांतिपूर्ण आनंदमय यात्रा नहीं है, इसमें समस्या ही समस्या है। तो अभी हम जिस धारणाओं के साथ जिंदगी जी रहे हैं तो वो समस्याएं रहेगी, तो डाउट उठाने चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए, तभी जिंदगी आगे बढ़ेगी। और फिर ये हमारे बताया सोक्रेटिस जी ने कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, कि गहराई से सोचा ही नहीं जिंदगी के बारे में, तो वैसी जो जिंदगी आप जी रहे हो वो वास्तविकता में जीने योग्य नहीं। और फिर बाद में ये महाशय ने बताया कि एक्चुअली में डाउट जैसा कुछ होता ही नहीं है, कंट्रोवर्सी जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी तब तक ही रहती है जब हम विपक्ष का मत हम सुन ना लें। तो हमारा तो विपक्ष शास्त्र है, तो जो ज्ञान में स्थित होता है उसके लिए कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं, लेकिन कंट्रोवर्सी बहुत जरूरी है, ये अभी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारी कंट्रोवर्सी क्यों आती है? क्योंकि हमारी कुछ मानसिकताएं बनी है हमारे जिंदगी के अनुभवों से, हमारे पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, और इस हमारे आसपास के लोग और दुनिया का जो दृष्टिकोण है उससे।
लेकिन ये हमारे मैक्स मैक्स वेबर जी बताते हैं कि थोड़ा हमें बड़ा दिल रख के, बड़ा मन रख के दूसरों को भी बात सुनने के का प्रयास करना चाहिए। तो क्या होता है कि वो कंट्रोवर्सी हमारे लिए और सुंदर विकल्प खोल देती है जिंदगी जीने के। जैसे कभी कभी पता चलता है कि जो मेरे को जो डाउट था, मतलब मैं जो सोच रहा था कि ये डाउट है, वो डिस्कशन से मालूम पड़ता है कि यार बात तो केवल मिसअंडरस्टैंडिंग की थी, मैंने बस गलत समझ लिया था, गलत सोच लिया था, बाकी ऐसा तो था ही नहीं। जो मैं सोच रहा था वो कॉन्सेप्ट ही गलत। और कंट्रोवर्सी के ऊपर चर्चा करने से वो हमको वो हमारी स्वतंत्रता वापिस लौटाता है कि हम खुद के बुद्धि के अनुसार और खुद के निर्णयों के अनुसार जिंदगी जिए, ना कि दूसरों की जिंदगी जिए। और वो हमको अंधविश्वास से भी हमको बचाता है। इसीलिए ये जो खुला मन है, ये हमको विद्रोह और अपने आप को ही हमेशा सही मानना और एरोगेंट बिहेवियर से हमको बचाता है। तो संक्षिप्त में, अगर हम कंट्रोवर्सी को एक बेहतर जिंदगी जीने के स्टेपिंग स्टोन माने, तो कंट्रोवर्सी से भागना नहीं चाहिए, उल्टा उसका आलिंगन करना चाहिए और उसको सामने से अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि कुछ अ बेटर रियलिटी, अ मोर ब्यूटीफुल वे ऑफ लाइफ शायद हमारा इंतजार कर रही है। तो इसीलिए दाग अच्छे हैं, परफेक्शन, कंट्रोवर्सीज अच्छी है हमारे और भगवान के बीच। मेरा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भरा हुआ है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो जिसके प्रति मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही वो अटैचमेंट है, कहीं पे मेरा दिल ज्यादा लगा हुआ है कि, तो वहां पे मन और मन बुद्धि मानता नहीं है, तो उसको तो फिर वो डाउट फिर कंट्रोवर्सी बन जाती है। लेकिन जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको एक जंप मिलता है। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक एग्जाम्पल देते थे कि अगर कोई नाव है लेकिन वो नाव के लंगर को हमने कभी हटाया ही नहीं, तो वो नाव कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो वो लंगर हटाने का प्रयास को कृपा बोलते हैं और वो करनी चाहिए। तो ये दूसरा प्रश्न है कि ठीक है, मान लिया कि हम लोग आत्मा है, ना हम हिंदू है और ना हम मुस्लिम है, तो फिर क्या शांति से घर के अंदर बैठे रहे, मंदिर के अंदर बैठे रहे और फिर राह देखे कि मुसलमान लोग आके हमारे ऊपर आक्रमण करे और हमको जान से ही मार दे? और अगर ऐसी परिस्थितियां होती है तो फिर क्या करना चाहिए? तो देखिए, हमारे जीवन में दुख है, ये जगह ही है, दुखालयम अशाश्वतम भगवान बताए है। और प्रभुपाद जी बताए कि डेंजर देयर मस्ट बी बिकॉज वी हैव पुट अवर सेल्व इन अ डेंजरस पोजिशन। आत्मा तो भगवान के धाम में थी जहां सदा सुख था, कोई किसी को कष्ट नहीं देता था, लेकिन हमारी ही गलती से हम इधर आ गए, तो इसकी वजह से इंडिविजुअली, सोशली और ग्लोबली अलग अलग दुख आते हैं। लेकिन क्योंकि मैं अपने आप को हिंदू मानता हूँ, अब जैसे मैंने जिंदगी जी है और जैसे दुनिया ने मेरे को सिखाया है उस मानसिकता के साथ, क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मानता हूं और शरीर का जन्म हिंदू खानदान में हुआ, इसलिए फिर क्या है कि उसके प्रति मेरा राग हो गया और फिर जो मेरे को पसंद है, अब उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसके प्रति मेरे को द्वेष होता है। जैसे कि दो लोग होते हैं हमारे जीवन, तो एक के साथ हमारा द्वेष है, उसके बारे में हमारे अंदर थोड़ी पूर्वाग्रह, पूर्व धारणाएं बंधी हुई है कि ऐसा ही है। फिर जब उसके माध्यम से दुख आता है तो हम ऐसा नहीं सोचते कि तो हम ऐसा नहीं सोच पाते कि ये कर्म है। लेकिन जो दूसरा कोई नया व्यक्ति जिसको हम नहीं जानते, उसके माध्यम से दुख आता है तो हम उतना सीरियसली लेते नहीं। तो इसीलिए जब हम बायास हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर चैनल के, तो हम उसको समझ नहीं पाते कि वो कर्म है, लेकिन वो कर्म ही होता है। और भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जो देखता है कि केवल प्रकृति के तीन गुण ही कार्य कर रहे हैं, वास्तविकता में वो ही देखता है। तो
इसलिए हमको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर रिलीजियन या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई वो इंट्रिंसिकली एविल है, वो अंदर से ही खराब नहीं, लेकिन हमको उसको प्रकृति के तीन गुणों के रूप में हमको देखना चाहिए। तो जब हम ये राग द्वेष से ऊपर उठ सकते हैं तो ही हमारा ज्ञान का दरवाजा हमारे लिए खुल सकता है। तो और इसमें डाउट तब बढ़ जाता है कि एक तो हमारा द्वेष है किसी के प्रति और उसमें भगवान बीच में आ गए, कि ठीक है उसके प्रति द्वेष है, लेकिन फिर जब भगवान के कार्य में भी वो द्वेषी व्यक्ति, क्या वो हमको दुख पहुंचा सकता है? तो फिर क्या, ठीक है जो कार्य भगवान का नहीं है उसमें भगवान इंटरफेयर ना करे, भगवान के कार्य में भी क्या फिर भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे? इसलिए डाउट बढ़ जाता, कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान अगर चाहे तो शरीर की भी रक्षा कर सकते। भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की, पांडवों की रक्षा की, उनके शरीर की रक्षा की, लेकिन जटायु की शरीर की रक्षा अगर आवश्यक होती तो भगवान करते, लेकिन जटायु को भगवान राम ने वैकुंठ भेजा। तो क्योंकि हम को आदत लग गई है कि हम अपना अपने आप को शरीर और मन के अनुसार ही सोचते हैं, जीते हैं, इसलिए जब रक्षा की भी बात आती है तो केवल शरीर का कंफर्ट और मन के लाइक्स और डिसलाइक्स का ही प्रश्न उठता है। लेकिन अगर थोड़ा हम गहराई से सोचे तो वैसे भी ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, तो वास्तविकता में रक्षा केवल इस जिंदगी के लिए नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन हमेशा के लिए रक्षा है, रक्षा चाहिए। ऐसा जब प्रश्न उठता है तब इसका उत्तर मिलता है कि आत्मा भौतिक शरीर में है इसलिए कष्ट है, लेकिन अगर आत्मा को अपना पुनः फिर से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाएगा तो उसको कोई कष्ट नहीं होगा। तो सारी समस्या का समाधान है कि आत्मा को फिर से भौतिक शरीर धारण ना करना पड़े इस जन्म के बाद और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त। तो इसके लिए मृत्यु के वक्त जो भी चेतना, जो भी विचार चलेगा आत्मा के अंदर, वो ऐसे ही उसको शरीर मिलेगा। तो इसीलिए जब भगवान बताते हैं कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्त प्रणश्यति, तो भगवान हमारी उस सनातन जीवन की रक्षा करते हैं। तो कभी कभी भगवान कुछ ऐसे दुख देते हैं जिंदगी में कि जो जो हमको धक्का देते हैं, जो जो हमको सोचने के ऊपर मजबूर कर देते हैं कि ऐसा दुख क्यों आया, वहां से वास्तविक जिंदगी शुरू होती है, कि आत्मा की जिंदगी शुरू होती है और फिर हम हमारी चेतना के विकास के ऊपर हम जोर देते हैं। और समझदार व्यक्ति इतना मृत्यु के ऊपर नहीं सोचता वो, क्योंकि वैसे भी गीता में बताया गया है कि जातस्यो हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु है उसका फिर से जन्म निश्चित है। तो इस तो वास्तविकता में रक्षा किसकी होनी चाहिए? मेरी भक्ति की होनी चाहिए, जिसकी जो मेरा परमानेंट सॉल्यूशन है मेरी सारी समस्याओं। और जन्म मृत्यु ठीक है, लेकिन उस लेकिन बीच में मैंने क्या किया, मैंने कैसी जिंदगी जी, वो उसके ऊपर हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि वैसे भी मौत तो शरीर तो नष्ट होगा, चाहे एक्सीडेंट में हो, चाहे राइड्स में हो, चाहे हार्ट अटैक से हो, चाहे बाथरूम के अंदर फिसलने से हो, ये तो वैसे भी नष्ट होने वाला है, ये तो अलग अलग माध्यम है, लेकिन जिंदगी का लक्ष्य क्या है? अंते नारायण स्मृति ही, अंत में भगवान को याद करना, जिससे मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के अपने वास्तविक अस्तित्व को प्राप्त कर सकूं। तो हमारे सामने उदाहरण है कि आदि शंकराचार्य जी 32 साल ही जिए, चैतन्य महाप्रभु 48 साल ही जिए। तो भागवतम बताता है कि लंबे जीवन का क्या फायदा, एक पेड़ का वो देते हैं, उदाहरण देते हैं कि अगर लंबी जिंदगी है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की तो उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी भयानक मौत आती है उन लोगों की भी, कि जो भगवान के कार्यों में लगे रहते हैं और जो भगवान के रास्ते पे आगे बढ़े हुए हैं। तो क्यों ऐसा? वास्तविकता में हम बहुत छोटे हैं, ये कर्म की
नीति नियमों को समझने के लिए, ये प्रकृति के नियमों को समझने के लिए कर्म इतने गहन होते हैं कि जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और उसको जरा सा चोट लगता है, ये भी कर्म है। और अगर उसको फ्रैक्चर होता है, ये भी कर्म। और अगर उसका मौत हो जाए एक्सीडेंट, ये भी कर्म। लेकिन हमें इतना तो पता है कि भगवान सबके सुहृद है, भगवान प्रेम के समुद्र है, और भगवान सर्वज्ञ है, भगवान को सब पता है, भूत भविष्य वर्तमान। इसमें दिक्कत कहाँ होता है कि क्योंकि हमारे अंदर चार डिफेक्ट हैं, कि हम हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, हम गलतियां करते हैं, हम भ्रमित होते हैं, और हमारे अंदर चीटिंग की प्रोपेंसिटी है, और हम प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में है। इसलिए हमें हम हमें हमें केवल अभी का दिखता है, अभी क्या हुआ, बट वी शुड नॉट सी प्रेजेंट आइसोलेटेड फ्रॉम पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये जो कर्म है, तो हमारे क्लास में भी एक माता जी ने बहुत ही अच्छा बताया था, महाभारत में कैसे धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि आपके 100 पुत्र कैसे मरे। तो ये कर्म है। तो भगवान जानते हैं कि किसको क्या कब कैसे देना है, कि जिसमें उसका सर्वोच्च हित हो। सर्वोच्च हित है उसका आध्यात्मिक कल्याण। तो ये हमें कन्विंस होना चाहिए कि भगवान कृष्ण परम दयालु हैं, और उनके अंदर प्रेम एक माता का नहीं है, लाखों माता का है। तो फिर क्या करना चाहिए? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इमोशनल रिस्पॉन्स करें, या तो इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स करें। इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स क्या है? इमोशनल रिस्पॉन्स आपको पता है। इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स है कि जैसे भगवद गीता 14.4 और 15.7 में बता है कि सब भगवान के अंश हैं, सब भगवान के ही संतान है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो केवल जब मुसलमान हिंदू के ऊपर अटैक करे तो ही हमारा खून खौल जाए, उतना ही खून खौलना चाहिए जब कोई हिंदू मुसलमान के ऊपर अटैक, जब कोई हिंदू लड़के मिलके कि किसी मुसलमान लड़की का रेप। क्योंकि हाँ, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों समान है, और ये केवल हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। अगर कोई कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख दे रहा है, अगर कोई कत्ल खाने में पशुओं को मार रहा है, केवल केवल इंसान क्यों, एक चींटी भी क्यों नहीं, किसी भी आत्मा को कष्ट होता है तो उसको कष्ट होता है, वो है वैष्णव। तो फिर क्या किया जाए ऐसी परिस्थिति में? सामने वाले लोग तो समझ नहीं रहे, वो तो आत्मा के स्तर पे आ नहीं रहे, तो हमको आत्मा के स्तर पे रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ इसके लिए भी हम, जैसे कि ये शरीर है, तो हम शरीर की देखभाल इसलिए करते हैं कि आत्मा के कल्याण के लिए वो अपना कार्य कर सके। तो शरीर के लिए आत्मा है, सॉरी, आत्मा के लिए शरीर है, शरीर के लिए आत्मा नहीं है। तो उसी तरीके से हम कुछ मटेरियल एडजस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि आत्मा अपना फोकस रख सके। तो हमारा सबका वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जैसे किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर की रक्षा दो तरीके से होती है, एक तो वहां के गार्ड्स और वहां की मिलिट्री उसके ऊपर फिजिकल अटैक होने से रक्षा करता है, और दूसरा सिविल इंजीनियर्स होते हैं और भी इंजीनियर्स होते हैं कि जो उसकी ब्लूप्रिंट बना के उसकी रक्षा करते हैं कि अगर वो बिल्डिंग गिर भी गया तो भी ऐसा ही बिल्डिंग फिर दूसरी बार बन सकता है। वैसे ही हमारे सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा क्षत्रिय के भाव में भी हो सकती है, कि अगर किसी का इच्छा है, बहुत जोश है, तो वो पॉलिटिक्स में जा सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है, वो डिफेंस में जा सकता है, वो ज्यूडिशियरी में जा सकता है, और उस तरीके से तुरंत जो आक्रमण हो रहे हैं शारीरिक स्तर पे, उसके ऊपर वो काम कर सकता है। और अगर कोई ब्राह्मण है तो वो शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से वो संस्कृति की रक्षा करता है कि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो चलता रहे, और अभी की भी जो जनरेशन है वो अपने संस्कृति को के मूलभूत सिद्धांतों को समझ के उसकी श्रद्धा बढ़े और वो अपने जड़ मूलों से वो जुड़ी रहे।
और ये दोनों ही जरूरी है। ये हम भागवत में हम इसका उदाहरण देखते हैं कि जब स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवउती को लेके कर्दम मुनि के पास जंगल में जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप मेरे बेटी के साथ शादी कर लो, तो स्वयंभू मनु कर्दम मुनि से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं कि ये इतने महान तपस्वी है, और उनका तेज देख के इनकी भी इच्छा हो जाती है कि क्या मैं ये तो राजा बनने से अच्छा है कि मैं ऐसा ही महर्षि बन जाऊं। लेकिन तब कर्दम तब बहुत ही दिलचस्प एक बात आती है भागवत में, एक श्लोक आता है जिसके अंदर कर्दम मुनि बताते हैं स्वयंभू मनु को कि आप अपने रथ के ऊपर विराजमान होके अपने हाथ में धनुष लेके जो आप घूमते हो पूरे विश्व में, तो आतंकवादियों के हृदय में आतंक छा जाता है, तो ये आपका बड़ा ही प्रभावशाली कार्य है, धार्मिक कार्य है, और इससे आपको भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो इससे फिर स्वयंभू मनु फिर संतुष्ट होते हैं। तो कर्दम मुनि अपना कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, और स्वयंभू मनु अपना कार्य कर रहे हैं। और ऐसा ही हम देखते हैं हमारे संप्रदाय में भी कि आज से 500 साल पहले हम सिख धर्म में देखते हैं कि सिख धर्म है क्षत्रियो का धर्म है, कि वो बैंड नहीं हो सकते, या तो मारो या तो मरो। इसलिए हम देखते हैं कि सिख में मार्टियरडम होता है, शहीदी होती है। और पांचवें सिख गुरु और नौवें सिख गुरु भी उन्होंने अपने आप को शहीद किया था धर्म के लिए। और दूसरी ओर हम देखते हैं हमारे सनातन धर्म में, हमारे ब्रह्मा मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, कि रूप और सनातन गोस्वामी भी दो ब्राह्मण थे। तो आज से 500 साल पहले बंगाल में जब मुसलमान का शासन था, तो तब वहां के नवाब हुसैन शाह ने इन दोनों ब्राह्मणों को बोला कि तुम दोनों इतने बुद्धिशाली हो तो तुम दोनों मेरे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ, वरना मैं पूरे हिंदू समाज को और ब्राह्मणों के समाज को मैं आतंक मचा दूंगा। तो उन्होंने कुछ वक्त के लिए दबीर खास और साकर मलिक के रूप में मुसलमान बन के वो नवाब हुसैन शाह की सेवा की, उसके राज्य में ये नौकरी की, और इस तरीके से उन्होंने रक्षा की सनातन धर्म की। और साथ साथ उन्होंने आज भी बंगाल में वो गुप्त वृंदावन है कि जब वो उधर इस तरीके से कार्यरत थे तो वो अपना गुप्त तरीके से उन्होंने एक पूरा वृंदावन बना के वो अपने भी भक्ति करते थे, और जैसे ही वक्त उचित मिला वहां से सीधा भाग के चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में वृंदावन जाके बस गए, और उन्होंने वृंदावन की खोई हुई भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को उजागर किया, और भक्ति के और हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों शास्त्रों को लिखा, और आज वो शास्त्र इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व में लाखों लोगों का कल्याण कर रहा है। तो ये भी सनातन धर्म की रक्षा है। तो जो भी तो लेकिन किसी को अपना वर्ण चेंज नहीं करना चाहिए, सबको अपने वर्ण में रह के ही अपने सनातन धर्म की रक्षा करती रहनी चाहिए। और ये भी हम देखते हैं कि हमारे संप्रदाय में ही जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे जब औरंगजेब ने वृंदावन को तहस नहस किया, उसके तुरंत बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन गए थे, लेकिन तो भी उन्होंने इतना सोशियो पॉलिटिकल इश्यू के ऊपर फोकस नहीं किया, उन्होंने अपने ग्रंथ लिखने के ऊपर फोकस किया। और भक्ति विनोद ठाकुर भी 1857 के बाद की बात है कि जब ब्रिटिशर्स ने जो रिबेलियन जो हुआ शुरू हुआ था, जो विद्रोह शुरू हुआ था, तो उसको परास्त करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कोई बात बाकी नहीं रखी थी, जहां पे भी संदेह आता था कि ये उस विद्रोह कार्य से जुड़ा हुआ है तो उसको तुरंत मार देते थे। तो तभी भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवन और उनकी लिखनी में कहीं पे ये इश्यू के ऊपर उतना जोर नहीं आता। तो इसलिए हमारा जो वर्ण है, हमारा जो रोल है, ये हमको समझना पड़ेगा समाज में। और एक ट्रायंगल कंप्लीट कैसे होगा कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित, कि हमारे हमारा रोल के हिसाब से जितनी जिम्मेदारी
हम निभा सकते उतना हमको निभाना चाहिए। ये ट्रायंगल का एक लाइन है। दूसरा लाइन है कि फिर हमें भगवान के ऊपर हमें निर्भर होना चाहिए, क्योंकि हम अणु हैं और भगवान विभू है। कि वी आर टाइनी एंड कृष्णा गॉड ही इज होल। तो पूरा प्रॉब्लम केवल हम अपने हाथ में लेके हम सॉल्व करने जा भी नहीं सकते। तो हमको सरकार, हमको पुलिस, हमको डिफेंस की हमको सहायता चाहिए ही, और हमको अल्टीमेटली हमको भगवान भी अपना कार्य करे और हम भी अपना कार्य करें। तो इन दोनों के मिलने से ही समस्या का समाधान होगा, लेकिन अपने प्रयास हमको पूरा करना है और फिर भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहना है। लेकिन ये करने के बाद ये जो तीसरी लाइन है जिसे ट्रायंगल कंप्लीट होता है, ये वो है कि हम अपना आध्यात्मिक जिंदगी, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, अपना मेंटल एब्जॉर्प्शन भगवान में रखे और उसको कैसे बढ़ाए, ये भी साथ साथ चालू रखना है। तो जैसे हम सब इंडिविजुअल्स एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस हम सीख सकते हैं, मंदिरों में हम प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, सिक्योरिटी हम बढ़ा सकते हैं। तो हमारे बस में जितना है वो हम कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उसको हमें भगवान का प्लान मानना चाहिए और फिर उसमें हमें पूरा प्रयास लगाना चाहिए कि हम भगवान को भूले नहीं, भगवान के ऊपर डाउट ना करें और अपने आध्यात्मिक समझ के अनुसार अपने आध्यात्मिक चेतना को बनाए रखें, अपने भी श्रद्धा को ना टूटने दे और हमारे आसपास के लोगों की श्रद्धा को भी ना टूटने दे। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कि इनको केवल इधर उधर बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करें तो इससे वो भी डिस्टर्ब होते हैं और पूरी कम्युनिटी, उनके आसपास के सब लोग डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन उनको कुछ प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। तो क्या इस्लाम धर्म खराब है? नहीं, इस्लाम धर्म खराब नहीं है। मैं आपको कुरान में से भी मैं आपको पढ़ के मैं आपको दिखा सकता हूँ कभी, कि इस्लाम धर्म में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। लेकिन इसलिए हमको धर्म को ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन जो वो धर्म को गलत तरीके से अपने जीवन में उतारते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, वो जो पागलपन है, हमको उसके खिलाफ होना चाहिए। अगर अगर कोई मुसलमान की भीड़ आके अटैक करती है तो जैसे कि तीर आया तो प्रश्न उठता है कि किसने तीर मारा, तो उसी तरीके से ये तो इनोसेंट गलीबल मासेस है, ये तो इसकी मति किसने भ्रमित की, वो मास्टरमाइंड है, उसको पकड़ना चाहिए। ही इज द कल्प्रिट, धर्म नहीं, ना कि वो लोग की जो दिख रहा है, वो मेन नहीं, मेन वो कोई और है। और हम पांडवों के भी जीवन में हम देखते हैं कि पांडवों के साथ भी दुर्योधन एंड कंपनी ने इतना अत्याचार किया, लेकिन वो कभी भी वो सामने से अटैक करे या ऐसे वो विद्रोह का भाव आए या इतना एग्रेशन, हालांकि वो क्षत्रिय, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो बहुत ही एकोमोडेटिव धर्म है। इवन हम हमारे शास्त्र में देखते हैं कि 5,000 साल पहले जब वैदिक संस्कृति था पूरे विश्व में, तब भी म्लेच्छ यवन लोग थे, मुसलमान लोग थे, कि जो मांस खाते थे, और चंडाल और अन्य जाति के लोग थे, तो उनको कभी भी फोर्स नहीं किया जाता था कन्वर्ट होने के लिए, उनको भी अपना स्थान दिया जाता। और फिर आध्यात्मिक प्रशिक्षण से, उनकी चेतना को ऊपर उठाने के प्रयास से, फिर उनको उनकी गलत आदतों को छोड़ने के लिए उनको प्रेरित किया जाता था। तो ये हमारी भारत की संस्कृति है कि हम एकोमोडेटिव है, इसलिए हमारे भारत में हम आज इतने सारे धर्म देखते हैं, पारसी धर्म देखते हैं और सब धर्म देखते हैं, क्योंकि हमने सबको हमेशा अपनाया है। और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिसको शांति पसंद नहीं होती, कुछ शांत होता है तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट बने, लेकिन ये सब चीजें से हम अभिज्ञ होते हैं और ये सब बहुत ही डेंजरस चीजें हैं। ये सब केवल बातें करने में अच्छी लगती है, लेकिन जो सचमुच इस लाइंस पे चलते हैं तो वो अपनी जिंदगी अपने हथेली में रख के जीते हैं। तो केवल बोलने से क्या होगा? अगर अगर सचमुच इतना फर्क पड़ता है तो हमें कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए कंक्लूजन में मैं दो चीजें बताना चाहूंगा कि पहले पहला
पहला होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि हम ऐसी आशा करें कि हमारी पूरी जिंदगी दशकों बीत जाए लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं, बट हमें अंधा भी नहीं होना चाहिए। वी शुड प्रिपेयर फॉर द, ये बेस्ट है ये वर्स्ट है, और बीच में जितना भी है सबके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए जितना हमारा क्षमता है, और फिर बाकी फिर अपना जिंदगी का लक्ष्य आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करते रहना चाहिए। फिर कुछ होता है तो उसको भगवान का प्लान मान के फिर हमें और गंभीर और दृढ़ बनना चाहिए कि ऐसी भयानक जगह पे वापस नहीं आना, यहाँ से वापस भगवान के धाम चले जाना। और ये भागवत का श्लोक है, ये आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं कि ठीक है, कुछ ऐसे लोग हमेशा इस दुनिया में रहेंगे कि जिसका स्वभाव और जिसका कर्म बहुत ही खराब है, लेकिन उसके ऊपर सदा अगर हम सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे तो मृत्यु के वक्त वो याद आएगा। तो इस जन्म का हिंदू अगले जन्म का मुसलमान बनेगा, और आज इंडिया से पाकिस्तान की ओर बम फेंक रहा होगा तो वो कल पाकिस्तान से इंडिया की ओर वो बम फेंकेगा। तो वी शुड नॉट स्पॉइल अवर डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ, ये इस श्लोक के अंदर बताया गया कि ठीक है, हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो मुसलमान ही नहीं, वो हमारे कंपनी में भी वो कोई व्यक्ति हो सकता है कि जो हमेशा हमारी खोद खोद करता रहता है, तो ठीक है उससे वो हमारे ऊपर वो उतना ना ना हावी हो जाए कि फिर हम भगवान के बारे में हम सोच ना सके, हम अपने कल्याण के बारे में हम प्रयास ना कर सके। तो इसलिए समरी क्या है कि स्पिरिचुअल, तो ये फिर आप पढ़ सकते हैं कि ये इसका समरी है, इसको आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और बस लास्ट में मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा इस प्रश्न में कि जब कलकत्ता में प्रभुपाद जी घर में कचौरी बना रहे थे, तब तब प्रभुपाद जी गृहस्थ थे, और उन्होंने अपने संतानों को मायापुर भेज दिया था, उनको भी जाना था लेकिन उनकी पत्नी रजनी राजी नहीं हुई, तो अपने पत्नी को छोड़ के वो जा नहीं सकते थे, तो फिर वो अपने पत्नी के साथ वो घर में ही रुक गए, और तब ऊपर से जापान वाले बम फोड़ रहे थे कलकत्ता में, तो आजू बाजू भूम ऐसे आवाज आ रही थी और ये कचोरी तल रहे थे प्रभुपाद। और फिर प्रभुपाद जी फिर बाद में हम सबको बताते हैं कि तब मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर हमारे घर पे बॉम्ब पड़ेगा तो कृष्णा इज अपियरिंग इन द फॉर्म ऑफ बॉम्ब, कि हमने तो पूरी जिंदगी कृष्ण भक्ति की है और अभी भी हम कृष्ण का ही नाम ले रहे हैं, और अगर मौत आएंगे तो कृष्णा के धाम जाएंगे, और अगर बॉम्ब नहीं फटेगा तो ये कचोरी बन रही है, भगवान को भोग लगेगा, कचोरी खाएंगे। इसे कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आखिर हम क्या सीख सकते हैं ये हिंदू मुस्लिम राइट से कि समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। ये जो दुनिया है पद पद पे समस्या, ये कितना खतरनाक दुनिया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, चाहे बाहर से हो चाहे इस शरीर के अंदर समस्या हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, और भगवान ने भी इसको सर्टिफिकेट दे दिया है इस संसार को, दुखालयम शाश्वतम, इसलिए निकलो इधर से, इस संसार के प्रभाव को समझते हुए अपने भ्रम की निंद्रा से जाग के हमें ज्यादा गंभीर बनना चाहिए कि इस भयानक जगह से बाहर निकलना चाहिए, और इसके लिए हमारी भक्ति और भगवान के प्रति शरणागति को बढ़ाना चाहिए। ये भगवद गीता के 5 श्लोक है जिसके अंदर भगवान 20 चीजों को ज्ञान बताते हैं, बाकी सब अज्ञान है, जिसके अंदर बताता है कि समस्या, बताते हैं भगवान की समस्या कोई नहीं है, केवल एक ही समस्या है आत्मा के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बाकी सब आता जाता रहे। तो जो ये समझ गया कि ये मेन समस्या है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वही नॉलेज में है, लेकिन ये आसपास जो कभी कभी ऐसा डर छा जाता है कि यार ये तो मुसलमान लोग बढ़ रहे हैं ये तो अटैक कर देंगे, तो वो डर को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए और हमारे भक्ति में लगाना चाहिए कि फिर से इस भयानक जगह पे नहीं आना। और कहाँ पे जाना है ये भगवद गीता के श्लोक में बताया गया है, परस्तस्मात् तो भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन, कि वो आध्यात्मिक संसार में जाना है जहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं है। और इससे हमें भी ऐसा ये सीखना चाहिए कि हमें भी ये राग द्वेष के गंदे गेम में नहीं फंसना चाहिए, और ये मित्र है ये शत्रु है ये दोनों माया है, ये दोनों भ्रम है, सब अपने पर सब 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 अपने हैं, और हमें ये सीखना चाहिए कि अपने वाणी या हमारे मन से भी किसी को किसी के बारे में ना बुरा सोचना चाहिए ना किसी को हर्ट करना चाहिए।
और खास करके जो भगवान के रास्ते पे हैं वो कितने दुर्लभ है। भुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सो दुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश्वपि महामुने। तो जो भगवान के मार्ग पे चलने वाले भक्त हैं वो इतना महान कार्य करते हैं और वो सबसे हार्मलेस स्पीशीज हैं, तो उनकी रक्षा प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट के लिए और समाज के लिए। पर हम क्या कर सकते हैं इस दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए ताकि सब शांति से जी सके। तो आप देख सकते हैं कि इस्कॉन इज रियल यूनाइटेड नेशंस। प्रभुपाद जी बताते थे कि ये नाम तो यूनाइटेड नेशन है लेकिन आज वहां पे ऑलमोस्ट 200 अलग अलग देश के झंडे हैं, फ्लैग्स हैं, और वक्त के साथ बस झंडे बढ़ते जा रहे हैं। तो कहाँ पे यूनाइट हो रहे हैं। लेकिन इस्कॉन के अंदर आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और अमेरिका और इंडिया के लोग, काले गोरे हिंदू मुसलमान और ऊंच जाति नीच जाति, ऐसा सब भेद से शरीर का भेद है। उसके ऊपर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जब सब आते हैं कि सब एक ही भगवान की संतान है, तो जब यूनिवर्सल फादरहुड जब हम स्वीकार करते हैं तो तब ही यूनिवर्सल ब्रदरहुड संभव है। तो इस्कॉन इज रियल यूनाइटेड नेशंस। तो इस्कॉन क्या कर रहे हैं वो हमको करना चाहिए। इस्कॉन भगवद गीता 5.25 में जो बताया ये कर रहा है सर्वभूत हिते रतः, कि लोगों का हित सचमुच किस में है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो हम उसके कपड़े लेके आ जाए बाहर और हम ऐसे खुशी से फिर हम नाचने लगे कि मैंने इसको बचा लिया, तो ये मूर्खता है। अरे वो व्यक्ति तो डूब गया। उस तरीके से केवल शरीर और मन की रक्षा करते हुए अगर उसके आत्मा को हम इस भवसागर में अगर हमने डूबने दिया तो ये सेवा के नाम पे हम अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए जो मानव सेवा बिना माधव सेवा की है वो अत्याचार है, और माधव सेवा में मानव सेवा आ जाती है। इसलिए वास्तविकता में इसीलिए भगवद गीता बताता है कि सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है। तो ज्ञान क्या है कि जैसे कोई बहुत ही करोड़पति पिता का खोया हुआ बेटा, क्योंकि वो अपने पिता से बिछड़ गया इसलिए उसको सब दुख है, उसी तरीके से आत्मा भी भगवान से दूर है इसलिए सब दुख है। तो मछली पानी से बाहर है तो मछली को पानी में डालो, आत्मा को आध्यात्मिक जगत में भेजना है, आत्मा को भगवान श्री कृष्ण के साथ इसी जीवन में फिर से लिंक कर देना है, एंगेज कर देना है, जोड़ देना है, तो यही सबसे बड़ा सेवा है। और ये प्रभुपाद जी ने किया, इसलिए वी आर एक्सट्रीमली एंड इटर्नली ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमको प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पे चल के इस भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और लास्ट स्लाइड है ये, कि तो इसलिए हम लास्ट वीक के डिस्कशन से हम क्या सीखते हैं कि हमें कंट्रोवर्सी से भागना नहीं चाहिए, हमको कंट्रोवर्सी को आलिंगन करना चाहिए, क्योंकि यही है कि जो हमारे भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा को दृढ़ निष्ठा में परिवर्तित करेगा। और ये देखने से लगता है कि यार ये तो जैसे कि अगर दो लोगों का के बीच का रिश्ता है, अगर कोई मतभेद भी है, तो जब एक दूसरे के अंदर वो परस्पर अगर वो प्रेम रहता है और एक दूसरे को कभी ना छोड़ने का भाव रहता है और एक दूसरे के प्रति सेवा भाव रहता है और अपना राग द्वेष को छोड़ के सचमुच एक दूसरे के गुणों को देखने का और उसकी प्रशंसा करने का भाव रहता है, तो वो मतभेद के बाद उनका रिश्ता और मजबूत बन जाता है। तो हमारा भी रिश्ता और हमारा सबका भगवान के साथ भी रिश्ता और मजबूत बन। और इस संसार के स्वभाव को हमें समझना पड़ेगा। अभी हम आ रहे हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जो हमने लिया था कि जिंदगी में दुख तो आएगा, ये संसार का स्वभाव है। ये आप भगवद गीता और भागवतम के श्लोक आप बाद में आप अपने मोबाइल में केवल आप ये लिखोगे तो वो आ जाएंगे श्लोक। इसलिए ये हमको ज्ञान देते हैं कि देखो जिंदगी कैसे जीनी है। सुख आता है सहन करो, दुख आता है सहन करो। सुख में इतना सुखी मत हो जाओ कि भक्ति ढीली पड़ जाए, दुख में इतना दुखी ना हो जाओ कि भक्ति ढीली पड़ जाए। ये तो जैसे ठंडी गर्मी आती जाती रहती है वैसे ही ये सुख दुख आता जाता रहेगा, लेकिन आत्मा के ऊपर फोकस करो, आत्मा के कल्याण के ऊपर फोकस करो। और ये सुख दुख दोनों को भगवान की कृपा मानते हुए, हालांकि ये मानने का विषय नहीं है, यही है बस। अभी हमें सत्य का अभी हमें दर्शन हो रहा है, दर्शन हो रहा है
वास्तविकता को जानने के बाद ज्ञान की आंखों से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और जो इस भाव से भक्ति करता जाता है वो इसी जीवन में भगवत धाम जाता है। इसलिए हमारी ऐसी इच्छा है कि इसी जन्म में हमारा पूरा बैच बस में बैठ के भगवत धाम जाए। हम लोग बस में बैठे होंगे, कहीं भी यात्रा कर रहे होंगे, और ऐसे ही एक बार हमारे लिए भगवान के धाम से विमान आएगा और हम सब भगवत धाम जाएंगे। तीसरा, ये भी एक टीचिंग में मेरे को लगा कि जैसे कि भक्ति सिंपल लोगों के लिए सिंपल है और कॉम्प्लिकेटेड लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, कुछ चीजें फिलहाल हमको समझ में नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि लेकिन अगर हमारे अंदर वो श्रद्धा है कि ठीक है शास्त्र बता रहे हैं, कोई प्रामाणिक संप्रदाय में कोई प्रामाणिक गुरु कोई प्रामाणिक संत बता रहे हैं, तो वो सही होगा। बाद में मेरे को भगवान की कृपा से मेरी भक्ति बढ़ेगी, तब मेरे को समझ में आएगा, तो उसके लिए भक्ति सिंपल है और वो भगवान के धाम जाएगा। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके लिए हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। इसमें सिंपल भक्त क्या करेगा कि वो जो अचिंत्य भगवान है, कि वो इतने हम मेरे ठाकुर जी इतने महान है कि उनकी चीजें मेरे समझ में नहीं आती, और लेकिन क्योंकि वो शास्त्रों में लिखी है तो वो सही होगी। तो ऐसे अचिंत्य भगवान और उनके भक्तों के प्रति मेरा प्रेम, श्रद्धा और विश्वास अटूट रहे, और मैं पूरी जिंदगी में भक्ति करके मैं उनके नित्य सेवा में मैं जुड़ जाऊं, तो उनके लिए भक्ति सरल है। और ये लास्ट टीचिंग मैंने सोचा कि वी वैल्यू कंट्रीब्यूशंस वेदर और नॉट वी एग्री विद देम, वी ऑब्जर्व कॉन्फिडेंशियलिटी विद इन एंड विदाउट द सेमिनार, वी रिफ्रेन फ्रॉम बोरोइंग स्ट्रेंथ फ्रॉम स्टेटस और पोजिशन, वी रिस्पेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल टू विदड्रॉ विदाउट स्टेटिंग रीजंस फ्रॉम एनी एक्सरसाइज विच मेक्स देम फील अनड्यूली अनकंफर्टेबल, एंड वी कन्फ्रंट इश्यूज और बिहेवियर नॉट पीपल, एंड वी ऑनर एनी एग्रीमेंट रीच। इस भाव के साथ ही हम सब को एक साथ मिलके इस भगवत धाम की यात्रा को एक साथ पूरा करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कोई भी प्रश्न हो तो ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, इसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप भी है और ये मेरा मेल आईडी है भी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले गुरुवार को आपकी प्रतीक्षा रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि हमारा रिश्ता जो मजबूत है वो और मजबूत बनेगा इस चर्चा के बाद। और मैं भी अभी बहुत ही छोटा हूँ और मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, मैं भी भगवान को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का अनुसरण करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत कमियाँ हैं और मेरी वाणी भी बहुत कठोर है। आप में से किसी को भी थोड़ा भी अगर दुख पहुंचता है मेरी वाणी से, तो मैं आपके चरणों में दो हाथ जोड़ के दिल से मैं क्षमा मांगता हूँ।